हेलो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CUET हब. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. क्या सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? हिस्ट्री. डोमेन का सब्जेक्ट क्या रहेगा? हिस्ट्री. हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट. ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा, अब तक जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो क्या थी, हड़प्पा के बारे में हम सारा कुछ कवर कर चुके थे. लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे. और हम इसमें कालीबंगा देखेंगे, लोथल देखेंगे, राखीगढ़ी देखेंगे, ठीक है, यहाँ की सोशल लाइफ देखेंगे और यहाँ की रिलीजियस लाइफ कैसी थी, ये सारे पार्ट आज हम देखेंगे, ठीक है. और डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है, कैसे नहीं है. चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मोहनजोदड़ो. चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द मोहनजोदड़ो एंड हु वाज द डिस्कवर्ड बाय मोहनजोदड़ो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है. ओके, तो क्या है मीनिंग बच्चा? माउंट ऑफ द डेड, ठीक है. एंड हु वॉज द डिस्कवर्ड बाय? राखल दास बनर्जी. ठीक है. और ये डिस्कवर्ड कौन सी ईयर में हुआ था? इन 1922, ठीक है. ये गया. इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके वही हैं कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है. क्या होता है बच्चा? माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला, ठीक है. और सेकंड, ये डिस्कवर्ड किसने किया था, मतलब हु वाज द डिस्कवर्ड बाय? राखलदास बनर्जी. इन विच ईयर? इन 1922. ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में. हम थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या है. सबसे पहले ये कि मोहनजोदड़ो में दो टाइप के नगर पाए गए थे, ठीक है. मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताती हूं. ये क्या था आपका? ये था आपका सिटाडेल था. ये क्या था आपका? लोअर टाउन था, ठीक है. सिटाडेल था वो अकॉर्डिंग टू लोअर टाउन के वो काफी स्मॉल था, लेकिन ये जो लोअर टाउन था वो काफी बड़ा था. यहां पे कौन से लोग रहते थे? यहां पे मिड फैमिली वाले लोग रहते थे. मीडियम फैमिली, ओके. यहां पे कौन रहते थे आपके सिटाडेल में? रिच फैमिली. चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो सिटाडेल में यहां पे ज्यादातर लोग रहते थे किसके? राजा के या शासक वर्ग के जो मेन मुख्य पर्सन थे वो रहा करते थे. और ये लोअर टाउन में रहा करते थे, जैसे कि आपके कारीगर हो गए, मतलब लेबर होगी, ठीक है. और कौन से? छोटे छोटे व्यापारी हो गए, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन. और क्या? आमतौर पे जो जनता होती है मीडियम, वो रहा करती थी यहाँ पे, ठीक है. चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, थोड़े से और हम इसमें पॉइंट डिस्कशन करते हैं. यहाँ की जो सड़कें थी ना वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी. क्या थी? एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है. और यहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी ना वो इतनी अच्छी सड़क व्यवस्था थी जो आज तक
आपको इवन आप दिल्ली ले लो या आप कोई भी जो बड़ी बड़ी सिटी है आप उन्हें ले लो, ठीक है, वहां पे भी इस टाइप की सड़कें नहीं देखने के लिए मिलती है। मतलब यहाँ का जो सड़कें बनी थी और यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, मतलब हाउस प्लानिंग थी, ठीक है, और जो रोड बने थे तो वो किसके अकॉर्डिंग बने थे, ये आपके बने थे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो उस बारिश का पानी आपका रोडों पे नहीं रुकता था, इवन वहां के जो रोड थे वो इस टाइप से बनाए गए थे कि अगर बारिश का पानी आएगा तो वो छोटे छोटे, मतलब वहां पे रोडों पे क्या बनाई गई थी, नालियां बनाई गई थी, ठीक है, तो वो वहां से बहते हुए एक मुख्य जाके, मुख्य नाली में जाके गिर जाएगा, मतलब मुख्य ड्रेन्स में जाके गिर जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि यहाँ की जो नालियां थी वो क्या थी, कवर कर दी गई थी पूरी, और किससे की गई थी, पके हुए ब्रिक्स से की गई थी, ठीक है। और यहाँ का जितना भी गंदा पानी था वो क्या, घरों का जितना भी गंदा पानी था वो छोटी छोटी नालियों से बहते हुए एक जाके मुख्य नाली में गिरता था, ठीक है। चलिए, और आमतौर पे यहाँ के जो प्रत्येक एक जितने भी यहाँ के हाउस प्लानिंग की गई थी, तो उन हाउसों में आपको क्या क्या मिला था, उन हाउसों में आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया था क्या क्या, एक किचन मिली थी, लिविंग रूम मिला था, ठीक है, और बाथरूम हर किसी के घर में मिला था, ठीक है। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो यहाँ की जब हाउस प्लानिंग की गई थी तो यहाँ पे मेन रोड पे विंडो न होके यहाँ की बैक साइड में विंडो रखी गई थी, या तो आप ये कह लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर पे विंडो रखी गई थी, ठीक है। चलिए, ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फैक्ट्स अबाउट मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब हम मोहनजोदड़ो के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आइडल्स ऑफ गॉड हैव आल्सो बीन फाउंड हर, यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें भगवान जी की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। क्या मतलब, उस टाइम पे जिस भी देवी देवता की पूजा की जाती होगी तो उसके क्या, उसके आपको छोटे छोटे प्रतिमाएं मिलती हैं, मतलब इमेज मिलती हैं, ठीक है, मूर्तियां बनाई जाती हैं। इट मींस आज के टाइम पे जो भी आप, जिस भी गॉड में आप बिलीव रखते हो, ठीक है, तो उस गॉड की आपको मार्केट के अंदर मूर्तियां मिल जाएंगी, उसी तरीके से यहाँ पे भी मिले थे साक्ष्य। ओके, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, यहां से आपको क्या मिले, कॉटन के क्लॉथ मिले थे। आपको क्या मिले, कॉटन के क्लॉथ मिले थे। इट मींस कॉटन के क्लॉथ बोलो क्यों यूज करते थे और उन्होंने बनाए कैसे, मतलब यहां पे कपास की खेती होती होगी तभी आपको क्या यहाँ पे कॉटन के क्लॉथ मिले थे, और वो कॉटन के क्लॉथ बना के वो क्या करते थे, बिजनेस किया करते थे, ठीक है। मतलब क्या मिला था आपको यहाँ पे, कपास की खेती होती होगी, ठीक है, और क्या मिला है यहाँ पे, भगवान की मूर्तियां, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अ सिल्वर वेस कवर एंड सम अदर कॉपर आइटम हैव बीन फाउंड फ्रॉम हर, मतलब यहां से आपको सिल्वर के कवर मिले थे, ठीक है, और आपको क्या मिला था, कॉपर के आइटम मिले थे। इट मींस कि यहां पे सिल्वर उस टाइम पे भी आप देखो क्या, मतलब सिल्वर और कॉपर का भी काफी ज्यादा यूज होता था, तभी इन लोगों ने क्या यहां से हमें मिले हैं साक्ष्य, हमें यहां से क्या फाउंड हुआ है, सिल्वर कवर और कॉपर आइटम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है,
द पीपल हर ऑल्सो न्यू द गेम ऑफ चेस एंड दे यूज्ड आयरन विच मीन्स दे न्यू अबाउट आयरन टू. ठीक है, इससे क्या है, क्या है, यहाँ पे जो लोग गेम खेला करते थे, यहाँ के लोग आप मतलब समझ रहे हो, चेस गेम खेलते थे. ठीक है, कौन सा गेम खेलते थे बच्चा? चेस गेम. ठीक है, जो आज के टाइम पे भी कई लोग नहीं खेलते. यहाँ के लोग चेस गेम खेला करते थे, और क्या, यहाँ के लोगों को लोहे के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज थी और उसका यूज करना आता था. ठीक है, ओके. चेस एंड आयरन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? द ऑल्सो हैज बीन फाउंड ऑफ कॉपर मिरर. और हमें यहां से क्या मिला है? कॉपर का मिरर भी मिला है. मतलब वहां के जो चाइल्ड, इन्फेंट, ओल्ड और एडल्ट जो भी लोग थे, वो क्या कुछ तो यूज करते होंगे ना, मेल फीमेल जो भी थे, कुछ तो यूज करते होंगे अपने आप को देखने के लिए और सजने समझने के लिए. मतलब खुद को अच्छे से या अच्छा दिखने के लिए या फिर अच्छे से तैयार होने के लिए क्या यूज करते थे? मिरर यूज करते थे. ठीक है, और हमें किस चीज का मिरर मिला था वहां से? ये मिला था बच्चा कॉपर मिरर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? गॉट द क्ले ब्लॉक कार्ड फ्रॉम हर. और हमें यहां से क्या मिला है? मिट्टी की गाड़ियां मिली थी, मतलब मिट्टी की बैलगाड़ियां मिली थी. इट मींस वहां पे बैलों का यूज होता होगा. अगर वहां पे बैलों का यूज किया जाता होगा, और बैलों का यूज किसके काम में करते थे वो लोग? खेत जोतने, मतलब हल चलाने के काम में, खेतों में हल चलाया करते थे. ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिले? मिट्टी की बैलगाड़ियां भी मिली हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? फाउंड टू पार्ट ऑफ मिलस्टोन. मतलब चकली के दो पार्ट होते हैं, चकली के दो पार्ट भी मिले थे. आज भी अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो आपको कई सारी जगह पे, कई सारे घरों में आपको टू पार्ट के चकली मिल जाएंगे. ठीक है, जिनका क्या, जो ओल्ड लेडी होती है वो क्या यूज करती है? उसको वो दलिया या फिर बेसन या जो भी दरदरा चीजें बनाने के यूज में लाती है. ठीक है, क्या है ये? गया आपका, ये है आपका चक्कियों के दो पार्ट, मिलस्टोन. चक्की का पार्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? राखी गढ़ी. तो हम राखी गढ़ी में क्या देखेंगे? ओनली हम मेन मेन पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है. जो आपका अकॉर्डिंग टू सीयूईटी के एग्जाम में आएगा, सिर्फ आपको वही पढ़ना है. ठीक है, तो क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी. ठीक है, अब राखी गढ़ी में हम देखेंगे राखी गढ़ी. और राखी गढ़ी इज अ विलेज एंड एन आर्कोलॉजिकल साइट बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया स्टेट ऑफ हरियाणा. तो इसमें आपको क्या क्या देखना है ओनली, कि राखी गढ़ी आपका कहां पे मिला था जाके, कहां पे वो लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है? ये है आपका हरियाणा में. ठीक है, और हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये है आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो क्या आपको देखना है? राखी गढ़ी कहां लोकेटेड है बच्चा? स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है?
ये है आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सिचुएटेड अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिल्ली, और ये दिल्ली से कितना किलोमीटर आगे है, ये आपका है 150 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका कौन सा फेस आता है, ये आपका आता है मिच्योर हरप्पा सिविलाइजेशन का फेस है, ठीक है। और ये डिस्कवर्ड कब हुआ था, सॉरी डेटिंग इसकी क्या थी, 2600 टू 1900 BCE। एंड हु वॉज द डिस्कवर्ड बाई राखीगरी, राखीगरी आपका डिस्कवर्ड किया था किसने, अमरेंद्र नाथ ऑफ ASI मीन्स आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसने ये आपका राखीगरी डिस्कवर्ड किया था, अमरेंद्र नाथ, ठीक है। इसमें ओनली दो तीन पॉइंट, मतलब राखीगरी, राखीगरी आपका कहां पे लोकेटेड है, हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और ये किसने, और ये क्या है आपका मिच्योर फेस से है, ठीक है। और ये डिस्कवर्ड किसने किया था, ये किया था आपका अमरेंद्र नाथ ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स ऑफ राखीगरी, हम राखीगरी के अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सील्स, मतलब जब आर्कोलॉजिस्ट वहां पे सर्वे करने गए थे या डिस्कवर करने गए थे, ठीक है, जब उन्होंने खुदाई की थी तब वहां पे उन्हें सबसे पहले क्या मिले थे बच्चा, ब्रिक्स मिले थे। और ब्रिक्स के बाद फिर जब और उन्होंने खुदाई की तब उन्हें क्या मिले थे, सील्स मिली थी, ठीक है। तो सील से उन्हें पता चला कि यहां पे कोई तो सिविलाइजेशन बसी हुई है, ठीक है। जो सिविलाइजेशन इतनी अच्छी थी, वो बात एक अलग है कि उस सील्स पे जो भी लिखा था वो उन्हें रीड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो क्या था, वहां पे आपको सील्स मिली है जो ये बताती है कि यहाँ के लोग कुछ इस तरीके से रहा करते थे, मतलब यहाँ के लोग इतने ज्यादा सिविलाइज या एडवांस वाले लोग थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ड्रेन सिस्टम, लार्ज रेन वाटर कलेक्शन, इट मींस यहाँ के लोग जो रेन वाटर था आपका, मतलब जो बारिश का पानी हुआ करता था, तो उस बारिश के पानी को नालियों से बहते हुए ये लोग उसे क्या किया करते थे, स्टोर किया करते थे, ताकि टाइम आने पर ये उसका रीयूज कर सके, क्या कर सके, रीयूज कर सके, उसे स्टोर किया करते थे ताकि टाइम आने पर वो उसका रीयूज कर सके, क्या कर सके, रीयूज कर सके, ठीक है। टेरिकोटा एनिमल फिगर, मतलब और हमें यहां पे क्या मिले हैं राखीगढ़ी में, और हमें क्या मिले थे, मिट्टी के एनिमल्स, मिट्टी के एनिमल्स के फिगर मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ज्वेलरी इंक्लूडिंग बैंगल्स मेड फ्रॉम टेरिकोटा, मतलब और आपको यहां से क्या मिले थे, मिट्टी के बैंगल्स मिले थे, और सम ज्वेलरीज मिली थी जिसमें कि आपके नेकलेस, ठीक है, रिंग्स और चेन्स, ये सारी चीज आती हैं, जैसे कि ये गया आपका, ये गया क्या है, ये आपको बैंगल्स फाउंड हुए थे यहां से, सम नेकलेस, चेन, ओके, और जो भी है बाजूबंद वगैरह सब कुछ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंच सेल्स गोल्ड एंड सेमी प्रीचियस स्टोन हैव बीन आल्सो फाउंड, यहां से आपको क्या मिले, शंख मिले थे, मतलब उस टाइम पे भी क्या वो लोग शंखों के बारे में जानते थे, ठीक है, जो कि आजकल अभी इस टाइम पे आपके क्या मंदिरों में बजाया जाता है, पूजा करने के काम आता है, ठीक है। तो क्या मिला था, शंख मिले थे आपको यहां से, जो आप ये देख रहे हो इमेज में, शंख मिले थे, और क्या मिले थे, गोल्ड और सिल्वर और जो भी कीमती धातु थी, कीमती स्टोन थे, तो उसके क्या मिले, कुछ पार्ट मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिश नेट डिजाइन,
अब वो फिश नेट डिजाइन का वो क्या करते होंगे, फिश नेट डिजाइन भी यहाँ से फाउंड हुई थी, तो इट मींस वो लोग फिश पालन किया करते होंगे, मतलब मछली का पालन होता होगा, ठीक है। और मछली का पालन के बाद फिर वो क्या करते होंगे, बिजनेस भी क्या करते होंगे, इट मींस वहां पे नेट के थ्रू मछलियों को पकड़ते होंगे, फिर उनका मार्केट में जाके बिजनेस किया करते होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धौलावीरा। क्या है धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात इज एन आर्कियोलॉजिस्ट साइड एट खादिर वेट इन बचाओ तुल्लका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। धौलावीरा में आपको क्या क्या देखना है कि धौलावीरा कहां पे आपको मिला था, धौलावीरा हमारा डिस्कवर्ड हुआ था गुजरात में, गुजरात में ये लोकेटेड है धौलावीरा, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये, और धौलावीरा हमें कहां लोकेटेड है, ये है गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा'स लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया का मैप होता है, ठीक है, उस इंडिया के मैप पे एक लाइन बीच से ड्रॉ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये उसके पास लोकेटेड है। जैसे कि ये गया, ये गया, क्या है, ये एक इंडिया का मैप है, ये जो लाइन जा रही है बीच में से ड्रॉ हो रही है, ये लाइन, ये आपकी क्या कहलाती है, यही होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या लोकेटेड था, लोकेटेड था धौलावीरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय जेपी जोशी। और ये डिस्कवर्ड आपका किसने किया था, ये आपका डिस्कवर्ड किया था जेपी जोशी ने, और कौन सी ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था, 1968, ठीक है। कौन है, मिस्टर जेपी जोशी, मतलब जगतपति जोशी, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई 1968। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम ASI एंड इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ एट मेजर हरप्पन साइट्स। क्या था, हमें मतलब हरप्पा में हमें 8 मेजर साइट हमें डिस्कवर्ड हुई थी, उसमें धौलावीरा का कौन सा नंबर है, फिफ्थ नंबर पे आती है ये, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फैक्ट्स ऑफ धौलावीरा। अब हम धौलावीरा के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, यहां की जो टाउन प्लानिंग क्या थी, काफी हाई लेवल पे टाउन प्लानिंग की गई थी, ठीक है। जैसे कि चारों तरफ से इसे कवर करना, मतलब जो इनका नगर होता था उसके चारों तरफ से ये क्या करते थे, एक बाउंड्री कराते थे, ताकि वहां पे जो भी अदर देश के लोग हैं वो क्या आक्रमण या किसी भी तरीके से उन्हें हानि ना पहुंचा सके, ठीक है, या उनके एनिमल्स को भी हानि नहीं हो सके। तो इसलिए क्या ये ना हाई लेवल पे ये अपनी टाउन प्लानिंग किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एविडेंस ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन। और आपको यहां से क्या मिला है, स्टोन मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पॉलिश ब्राइट ऑन स्टोन। और हमें किस टाइप के स्टोन मिले थे, कुछ स्टोन हमें वो भी अवेलेबल हुए थे जिन पे क्या पॉलिश हो रखी थी, मतलब उन्हें चमकीला बनाया जाता था, जैसे कि ये गए कलरफुल, स्टोन या ये वाले, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, थ्री टायर्ड सिटी प्लान, और ये तीन टाइप के हमारे सिटी प्लान भी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिमेनिंग ऑफ हॉर्स आर्टिफैक्ट्स आर आल्सो फाउंड, और हमें क्या यहाँ से क्या क्या मिला है, हमें यहाँ से फाउंड हुए थे घोड़ों के कुछ साक्ष्य भी मिले थे, मतलब घोड़ों की भी इमेज मिली थी, ठीक है। वाइट पॉलिश स्टोन सेक्शन आर फाउंड विच सो दैट द संधवा पीपल वेयर फैमिलियर विद द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, और हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे, व्हाइट पॉलिश के स्टोन मिले थे, और क्या मिले थे, ठीक है, व्हाइट पॉलिश के स्टोन मिले थे, और जितने भी ये स्टोन थे ये लोग क्या क्या करते थे, उन स्टोनों का इनका बिजनेस क्या करते थे, मतलब जो भी स्टोन पॉलिश वाले होते थे वो बहुत कीमती स्टोन हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ओनली वन प्ले ग्राउंड या स्टेडियम हैज बीन फाउंड फ्रॉम धौलावीरा, और हमें यहाँ से क्या मिला है, एक खेल का मैदान मिला है, ठीक है, मतलब बोलो कुछ तो खेला करते होंगे, हमें वहां से क्या एक खेल का मैदान भी मिला है। लेआउट ऑफ धौलावीरा, ये आपका क्या है, लेआउट है पूरा धौलावीरा का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका लोथल, लोथल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोथल वाज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द वॉल रीजन ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात। लोथल आपका कहाँ पे स्टेट है, लोथल आपका लोकेटेड है आपका गुजरात में, ठीक है, लोथल आपका लोकेटेड है गुजरात में, और ये आपको साइट, ये कितनी पुरानी साइट थी, ये थी 2200 BCE, कितनी थी बच्चा 2200 BCE थी, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1955 बाय डॉक्टर एस आर राव। इसमें हमें क्या क्या देखना है, लोथल कहां पे लोकेटेड है, ये है आपका गुजरात में, ठीक है, कितना पुराना था ये 2200 BCE पुराना था, और ये डिस्कवर्ड किसने किया था, डॉक्टर एस आर राव ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, और जो कौन थे, ASI थे, और ये कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था, इन 1955। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें इंडिया में अगर कहीं मिले तो वो कहां मिले थे हमें, गुजरात में, ठीक है, और हमें हरियाणा में कुछ पार्ट मिला है, और हमें क्या राजस्थान में, और यूपी में सम पार्ट मिला है। ओके, फैक्ट्स ऑफ लोथल, एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, यहाँ के जो एनिमल्स थे वो किस में रहते थे, नेचुरल सराउंडिंग में रहा करते थे, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप अगर दिल्ली या कहीं भी अगर आप बड़ी सिटी में जाते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, एक चिड़ियाघर मिलता है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, एक पूरा नेचुरल सराउंडिंग बनाई जाती है ताकि जितने भी एनिमल्स है वो उसमें आराम से अपनी लाइफ व्यतीत कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मेटल वेयर, और आपको यहां से क्या मिले थे, मेटल के कुछ बर्तन भी मिले थे, जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हो, क्या एक पॉट है, वॉटर पॉट, आप जो भी मान लो, जिस जो भी आप वो लोग जिस इस बॉटल मतलब इस पॉट का चाहे जिस तरीके से भी यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड टेस्टफुल डेकोरेटेड ऑर्नामेंट्स अटैच्ड टू द कल्चर, एंड इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो भी यहाँ की ज्वेलरी मिली थी वो लोग कब यूज किया करते थे, अगर उनके यहाँ पे कोई भी बड़े बड़े त्योहार हुआ करते थे या कोई भी पार्टी फंक्शन हुआ करते थे तो यहाँ के लोग क्या ज्वेलरी का यूज किया करते थे ताकि वो सुंदर दिखे, ठीक है।
एक ही ज्वेलरी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ घग्गर रिवर इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मैंने कहा था ना कि राजस्थान से भी आपको कुछ साइट्स डिस्कवर्ड हुई थी, तो कालीबंगन आपका लोकेटेड कहां पर है, ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ये है आपका हनुमानगढ़ में। और किस रिवर के पास है, ये है आपका घग्गर रिवर के पास। बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन ये आ गया कि आपका कालीबंगन किस रिवर के पास लोकेटेड है, तो आप क्या बताओगे, घग्गर रिवर, ठीक है। और कहां पे लोकेटेड है, ये है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ कालीबंगन, कालीबंगन का क्या मीनिंग है, क्या है, ब्लैक कलर्ड बेंगल्स, मतलब यहां क्या मिला है आपको, काले कलर की चूड़ियां, मतलब कालीबंगन का मीनिंग है आपका ब्लैक कलर्ड बैंगन, मतलब काले कलर की चूड़ियां। चूड़िया, ब्लैक कलर बैंगल, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए कि काली बंगन का मीनिंग क्या है, तो क्या बताओगे आप, ब्लैक कलर बैंगल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड हैज बीन फाउंड। प्लाउड फील्ड मतलब क्या है, जुते हुए आपको खेतों के साक्ष्य मिले, वो कहां से मिले थे आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य, काली बंगन से। जुते हुए खेत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एविडेंस ऑफ थ्री मेथड ऑफ क्रीमेशन, पार्शिया क्रीमेशन एंड क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन कालीबंगन मेडअप। और आपको यहां से क्या मिला है, तीन टाइप के आपको यहां पे दाह संस्कार मिले थे, जैसे कि वो लोग क्या किस किस तरीके से दाह संस्कार किया करते थे, कुछ लोगों को दफनाया जाया करता था और कुछ लोगों को जलाया जाता था, और जिन लोगों को, कुछ लोगों को दफनाने के साथ साथ उनको क्या, उनकी जो भी कीमती चीजें हुआ करती थी, जिनसे कि वो लोग ज्यादा अटैच हुआ करते थे, तो वो चीजें उनके साथ में ही दफना दी जाया करती थी, ठीक है। क्रीमेशन क्या है, दफनाना, दाह संस्कार, दाह संस्कार। क्या है बच्चा, दाह संस्कार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कालीबंगन एक्सवेशन हैव अनर्थ हरप्पा सील्स अननोन स्क्रिप्ट सिस्टम्स। और आपको यहाँ पे क्या क्या मिले थे, और यहाँ पे आपको मिले थे कालीबंगा की खुदाई में आपको सील मिली थी, अज्ञात लिपियां मिली थी, डाक टिकट मिले थे, और क्या मिले थे, मानव के कंकाल मिले थे, और कबर मिले थे, चूड़ियां मिली थी, और क्या मिली थी आपको, सिक्के मतलब कॉइन्स मिले थे, ठीक है। और क्या मिले थे आपको, यहां से खिलौने मिले थे, ठीक है, कॉपर बैंगल्स मिले थे, कॉइन्स मिले थे, बीट्स मिली थी, सील्स मिली थी, स्क्रिप्ट स्टैम्प्स, ह्यूमन स्केल्टन मिला था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, यहाँ की जो सोशल लाइफ थी वो लोगों की किस तरीके की थी। सामाजिक जीवन,
यहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी? द मदर गोल्डर्स वॉज डोमिनेटेड सो दैट द सोसाइटी वॉज प्रोडोमेंटली मैट्रिड. देयर वॉज अ डिविजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी. देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ की जो सोशल लाइफ थी तो उसमें क्या था, एक जिसे बोलते हैं ना कि मात्र सत्ता था, मतलब यहाँ पे क्या फीमेल की चलती थी, क्या था यहाँ पे क्या देवी माँ प्रमुख मानी जाती थी, मतलब या आप ये कह लो कि मात्र सत्तात्मक था. यहाँ की लाइफ क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी, मतलब जो बागडोर थी वो किसके हाथों में थी, वो थी एक लेडीज के हाथ में हुआ करती थी, जो कि आपको आज भी कई सारी जगह पे इवन सिटी ले लो या फिर आप रूरल एरियाज ले लो, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, आज भी हमारे समाज में औरतों को क्या माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है, ठीक है, और प्राइमरी में ये लोग किसे रखते हैं, मतलब पुरुष प्रधान, ठीक है. लेकिन यहाँ की सोच वैसी नहीं थी, यहाँ की क्या थी, मात्रात्मक थी, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम चंदूदरो. और हमें यहां से क्या मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, तो इट मींस वो लोग क्या सजने के लिए किसका लिपस्टिक का यूज किया करते थे, जैसे कि ये गए, ये क्या मेकअप करने के लिए इन्होंने लिपस्टिक का यूज किया है ना, आई मेकअप करने के लिए. और ये है मैडम, इन्होंने क्या लिपस्टिक का यूज किया है खूबसूरत दिखने के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन यूज्ड बोथ कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स. अब जब वो लोग अपनी लाइफ वहां पे सरवाइव करते होंगे तो वहां पे सरवाइव करने के लिए सर्दी और गर्मी में कुछ तो वो यूज किया करते होंगे, तो वो क्या करते थे, उन लोगों को कॉटन और बूलन की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, तभी वो लोग क्या करते थे, कॉटन और बूलन का भी यूज करना जानते थे, दोनों टाइप के क्लॉथों का, ठीक है. द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन यूज टू हैव बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. यहाँ के लोग क्या खाते थे, वेजिटेरियन भी थे और क्या नॉन वेजिटेरियन भी थे. जैसे कि अगर आपको अभी इस टाइम पे भी अगर आपको आपके घरों में कोई भी पर्सन नॉन वेजिटेरियन है तो उसे नॉन वेजिटेरियन, जिस तरीके से आप अपने वेज को रिस्पेक्टफुली देखते हो उसी तरीके से आप क्या नॉन वेज को भी देखो, मतलब किसी की चॉइस है कि हाँ वो अपना नॉन वेज खाना चाहता है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो कि फिर नॉन वेज खा सकता है, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अपना वेज आप आराम से खाओ, ठीक है. तो वहां के लोग क्या दोनों तरह का भोजन करते थे, वेजिटेरियन भी थे और क्या नॉन वेजिटेरियन भी थे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. पीपल आर यूज टू प्ले चौपा एंड डाइस फॉर इंटरटेनमेंट. अब यहाँ के लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज किया करते थे, डाइस और चौपर खेला करते थे. चौपर, चौपर आप जानते ही होंगे, जो आपको महाभारत में दिखाया गया था जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था उस टाइम पे जो चौपर के ही थ्रू उन्होंने हराया था पांडवों को कौरवों ने, ठीक है. तो ये लोग क्या चौपर का भी यूज करना जानते थे और क्या डाइस. और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर लेस वॉर लविंग मोर पीस लविंग. यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के लोग युद्ध या लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, बहुत कम दिलचस्पी रखते थे, बल्कि वो लोग प्यार दो और प्यार प्यार के बदले प्यार देने में वो बिलीव रखा करते थे, मतलब वो लविंग नेचर के थे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रिलीजियस लाइफ.
अब हम क्या पढ़ेंगे यहां पे? रिलीजियस लाइफ, मतलब क्या? धार्मिक जीवन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस। यहां पे क्या देवी मां की पूजा की जाती थी? क्या मदर गॉडेस मतलब? वर्शिप मतलब पूजा। ठीक है, देवी मां की पूजा किया की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वर्शिप ऑफ अ मेल डेटी मोस्ट लाइकली टू वी अ लॉर्ड ऑफ शिवा। और हमें यहां से क्या मिला है? हमें यहां से मिला है अर्ध आदमी की पूजा। और यहां पे जो सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी वो किसकी? भगवान शिव की, लॉर्ड ऑफ शिवा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्शिप ऑफ एनिमल्स। वो लोग किससे? वो लोग एनिमल्स से भी काफी, मतलब उनकी पूजा किया करते थे, एनिमल्स की पूजा किया करते थे। और किसकी? वो नेचर की भी पूजा किया करते थे। और किसकी? सेमन ह्यूमन की भी। ठीक है, सेमन ह्यूमन मीन्स अर्ध मानव, सेमी ह्यूमन। वर्शिप ऑफ एनिमल, एनिमल्स, नेचर, सेमन ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वर्शिप ऑफ ट्रीज इन देयर नेचुरल स्टेट ऑफ और ऑफ देयर इंडवेलिंग। अब इसमें क्या है? वो लोग क्या क्या किया करते थे? निर्जीव पत्थरों की पूजा किया करते थे, अन्य वस्तु लिंग योनि की भी वो लोग पूजा किया करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वो किसमें बिलीव रखते थे? पूजा वो भगवान के साथ साथ उस टाइम पे भी क्या जादू टोने में भी, मतलब ब्लैक मैजिक में भी वो लोग बिलीव रखा करते थे। ठीक है, या ब्लैक मैजिक के बारे में भी वो लोग जानते थे। ये क्या अर्ध मानव। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। द हरप्पन डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग, कैट, हम्बलवुड एंड सदर्न कैटल। क्या है, क्या क्या है बच्चा आपके डोमेस्टिक एनिमल में? डोमेस्टिक एनिमल में आपके कुत्ती, कुत्ते, बिल्ली मतलब डॉग्स, हम्पेड वुल और क्या कैट, ये सारे इंक्लूड थे डोमेस्टिक एनिमल में। मतलब वो इन्हें, इनका पालन किया करते होंगे। ठीक है, जैसे आज भी कई घरों में आपको, आज तो कुछ लोग तो अभी भी भाई टाइगर वगैरह भी पाल के रखते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में जाओगे तो, इंडिया में तो बहुत ही कम लोग रखते हैं। ठीक है, लेकिन हर घर में आपको क्या मिल जाएगा अभी इस टाइम पे भी? क्या डॉग जरूर मिलेगा, क्या पालतू जानवर डॉग। ठीक है, और क्या है आपका? वाइल वी ऑल्सो हैव एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक फाउल, कैमल्स, बफेलो एंड पिग्स। और आपको यहां से क्या मिले हैं? मुर्गी, ऊंट, भैंस और सुअर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स लाइफ इन हरप्पा। अब यहां की हम क्या देखते हैं? वाणिज्य, व्यापार या फिर व्यावसायिक जीवन। वो लोग किस तरीके से व्यापार किया करते थे, अब हम वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? द हरप्पन पीपल यूज टू ट्रेड विद फॉरिजन लैंड्स ट्रेवलिंग थ्रू सी। वो किसके द्वारा वो ट्रेवल किया करते थे? वो लोग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किसके? सी के द्वारा, मतलब समुद्र के थ्रू वो व्यापार किया करते थे। ठीक है, और कहां से किया करते थे ये लोग? यहाँ के लोग विदेशों में व्यापार किया करते थे, और किसके थ्रू? पानी के थ्रू। वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, विदेश में जैसे कि अफगानिस्तान में वो व्यापार किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है?
द हैड ट्रेड विद आयरन एंड अफगानिस्तान फॉर मिनरल वायर लीड एंड कॉपर वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. तो वो क्या किया करते थे अफगानिस्तान में, वो क्या खनिज और लौह का व्यापार किया करते थे, जबकि भारत में क्या सीसे मतलब मिरर और कॉपर का, लीड एंड कॉपर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. ये कहां से करते थे ये लोग, इंडिया में इसका व्यापार करते थे, और अफगानिस्तान में क्या करते थे आयरन और मिनरल का अफगानिस्तान में किया करते थे. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अदर ट्रेड गॉट गुड्स इंक्लूडिंग टेरिकोटा पॉट्स गोल्ड सिल्वर. टेरिकोटा पॉट्स गोल्ड सिल्वर मेटल्स बैट्स फ्लिंट्स मेकिंग टूल्स सीस पल्स कलर्ड गेम स्टोन. नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि वो लोग क्या क्या और टेरिकोटा के बर्तन बनाया करते थे, मतलब कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन के साथ साक्ष्य मिले थे, और क्या सोना चांदी धातु चमक मतलब ब्राइट वाले जो स्टोन मिले थे, ठीक है, और क्या हमें मोती मिले थे और रंगीन सॉरी रंगीन धातुएं मिली थी, ठीक है. क्या क्या करते थे वो इन सबका किसमें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका यूज करना जानते थे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इंडस स्क्रिप्ट लैंग्वेज राइटिंग सिस्टम. जो यहां की इंडस स्क्रिप्ट थी मतलब हरप्पा सिविलाइजेशन की क्या थी, लिपि थी. हरप्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि थी, यहां का राइटिंग सिस्टम क्या था, द इंडस स्क्रिप्ट ऑल्सो नो एज द हरप्पन स्क्रिप्ट इज अ कॉर्पस सिंबल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसमें क्या था, इसमें यहां की जो लिपि थी वो क्या अभी तक मतलब अननोन है, वो पढ़ी नहीं जा सकी है, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपको अक्षर मिले थे वो किस में मिले थे, एक तो मिले थे आपको यू शेप में, और दूसरे किस में मिले थे आपको फिश में मिले थे, ठीक है, जो फिश टाइप के बने हुए थे. लैंग्वेज क्या है आपका, अननोन लैंग्वेज है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब ये लोग यहां से ऐसे लिखा करते थे, और हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट. क्या क्या पॉइंट है इसमें, अननोन स्क्रिप्ट थी, और क्या ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, सबसे ज्यादा जो हमें अक्षर मिले थे वो किसके मिले थे हमें, यू और फिश शेप वाले. चलिए अब आपका नेक्स्ट क्या है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम थोड़ा इन्हें भी देख लेते हैं. क्या हरप्पा, हरप्पा किस रिवर के पास थी, रावी रिवर, और ये कहां पे आपको मिली थी, ये हरप्पा आपका डिस्कवर्ड हुआ था पाकिस्तान में 1921, और किसने डिस्कवर्ड किया था, भाई राखल दयाराम साहनी ने, किसने किया था, हरप्पा रावी रिवर के पास थी, कहां थी, पाकिस्तानी पंजाब में 1921 में ये डिस्कवर्ड हुई थी, और किसने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है. मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो आपका किसके पास है, इंडस रिवर के पास है, ठीक है, और ये क्या है, सिंध में है लोकेटेड, और ये क्या 1922 में ये डिस्कवर्ड हुआ था, किसने किया था, ये राखलदास बनर्जी ने डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है. रोपर कहाँ है आपका, सतलज रिवर के पास है, और ये क्या है, ये पंजाब में है, 1953 में ये डिस्कवर्ड हुआ था, किसने किया था, वाईडी शर्मा ने ये डिस्कवर्ड किया था. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लोथल, लोथल कहाँ है आपका,
वोगबा रिवर के पास है, गुजरात में है। और ये कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1957 किसने डिस्कवर्ड किया था, YRS राव ने। किसने किया था, YRS राव ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कालीबंगन इज लोकेटेड बाय राजस्थान, और रिवर कौन सी है, घग्गर रिवर है। और ये विच ईयर, 1959, और हु वाज द डिस्कवर्ड बाय बीबी वाला, किसने डिस्कवर्ड किया था, ये किया था बीबी वाला ने, 1959 में डिस्कवर्ड हुआ था। कहां पे ये लोकेटेड है, राजस्थान में। और कौन सी रिवर है, घग्गर रिवर। क्या है, कालीबंगन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, चंदूदरो इंडस रिवर के पास है, ठीक है, और किसमें है, ये है सिंध में। इन 1931 में ये डिस्कवर्ड हुआ था, किसने डिस्कवर्ड किया था, एमजी मजूमदार ने, ठीक है, 1931। अब क्या है, आलमगीरपुर, कहाँ है ये, हिंडोन रिवर के पास है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ये है, लोकेटेड है। के कौन सी ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था, इन 1974, एंड हु वाज द डिस्कवर्ड बाय, वाईडी शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सतका जेंदर, किसने, दस्त रिवर के पास, बलूचिस्तान में है, 1931 में ये डिस्कवर्ड हुआ था, किसने किया था, ओर्ले स्ट्रेन ने, ठीक है। बनावली कहाँ है आपका, हागर रिवर के पास, हागर रिवर कहाँ है आपका, हरियाणा में, 1974 में डिस्कवर्ड हुआ था, एंड हु वाज द डिस्कवर्ड बाय, RS बिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रानकपुर, कहाँ है ये, बहादुर रिवर के पास है, और ये रिवर कहाँ पे है आपकी, गुजरात में लोकेटेड है, इन 1931, और डिस्कवर्ड बाय MS वेट्स। तो चलिए, क्या है ये हमारे कुछ पॉइंट है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन डेट्स, रिवर, और हु वाज द डिस्कवर्ड, इन विच ईयर, और कौन कौन सी सिटी डिस्कवर्ड हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट डाउन कीजिए, प्लस आप इसे पढ़िए और पढ़ के, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और चलिए, अब मैं अपनी क्लास स्टॉप करती हूँ, क्योंकि आज हमारा हिस्ट्री का पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर का भी हम पेपर उठा के देखेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो हम सारे क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस, और हाँ, अगर आपने मेरी इसका फर्स्ट पार्ट हरप्पन अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ चेक आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल, नेम है आपका CUET Hub, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए, और वहाँ से आप यहाँ, और प्लस आपको ये वाली भी वीडियो मिल जाएगी, आप पूरा चैप्टर से पढ़िए और क्वेश्चन आंसर में आप जुड़िए, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।